हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या कम पड़ रही है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि सरकार चाहेगी तो उनके पास जो सरप्लस स्टाफ है वो इस काम में दे सकते हैं। इसी तरह से हरियाणा, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्मी में बड़ा योगदान रहता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर रिटायर्ड सेना के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या इन जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं सेना के, इनसे हम कोई मदद ले सकते हैं? क्योंकि इस समय गांव में जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारे हैं वो एक चिंतनीय विषय है। हमारे साथ इस समय डिफेंस ब्रदरहुड के चेयरमैन रिटायर्ड ब्रिगेडियर कालों साहब हैं। कालों साहब से जानेंगे क्या यदि सरकार उनसे कोई मदद मांगती है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है हरियाणा में, तो क्या ये सरकार की मदद के लिए तैयार होंगे? नमस्कार जी। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि जिस तरह से इस समय संकट का दौर, खासकर कहें कि महामारी का दौर चल रहा है और हरियाणा जो है बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर रिटायर्ड सेना कर्मचारी अधिकारी हैं, वर्किंग भी हैं, यदि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है आपके लोगों की तो क्या आप मदद कर सकते हैं? पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है फोर्सेस के अंदर। जी, मैं पीछे जो एक लेख लिखा था, मुबारकबाद दी थी हरियाणा के उन कर्मचारियों को, उन जिसके अंदर राजनीतिक नेता भी हैं जिन्हों के सबसे ज़्यादा अवसर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा थे। अगर ज़्यादा लिया जाए तो जो सिलेक्शन रेट था वो तीनों सूबों से सबसे ज़्यादा था हरियाणा का। अभी के इसकी पॉपुलेशन भी कम, एरिया भी पंजाब की तरह से कम है, तो इसके अंदर बाकी फोर्स, यंग जो फोर्स है, रिटायरमेंट एज जो 35-40 के अंदर जो आमतौर 80-85% रिटायर हो जाते हैं, तो वो फोर्स अवेलेबल है हरियाणा के अंदर, बाकी प्रांतों के अंदर वो फोर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर काम करता है। अगर उनको संगठित किया जाए, अगर उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज तो हैं वो बहुत सारी देखो संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, हरियाणा में और भी ऐसे डिस्पर्ट बॉडीज हैं जहाँ के उनके वीरवे हैं, उनकी डिटेल हैं। अगर उनको अगर कोई टास्क दिया जाए, बहुत ट्रेन मैन पावर है, डिसिप्लिन मैन पावर है, जिन्होंने ये काम किए हुए हैं सर्विस के, हम लोगों ने किए हैं प्रशासन के मद पर, कैसे आना है, कैसे ड्यूटी हैं, क्या उनके फ़र्ज़ हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है ख़ास तौर पर सप्लीमेंट करने के लिए, जो कि हमारा फोर्स लेवल है उसको सप्लीमेंट करने के लिए। प्रशासन के अंदर भी जो उनके पास पैरा मिलिट्री है या पुलिस है या और है, उनसे ज़्यादा कारगर ये होंगे। इसलिए अगर अनिल विज जी ने, मंत्री साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसका फ़ायदा इससे बेहतर और कोई मैं समझता नहीं हो सकता जैसे इनका इस्तेमाल किया जाए और ये रिजल्ट दिखाएंगे। ये बताएं कि एक तो सरकार आपसे उम्मीद करे कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए कोई ब्रदरहुड की तरफ से या एक्स आर्मी मूवमेंट जो है उसकी तरफ से सरकार को भी ऑफर करेंगे कि सरकार जो है इन लोगों को ट्रेन करके, छोटी ट्रेनिंग दे के इस काम में लगाएं? देखो मैं जैसे बताया, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं है, क्योंकि इनको पहले इनकी ट्रेनिंग इतनी हो चुकी है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, बॉर्डरों पर भी रहे हैं। मगर जो हमारी संस्था है उसके अंदर ऑटोमेटिकली, मैंने खुद देखा है, इधर मैंने टीका लगवाने गया था नंबर 2 MDC 4 के अंदर, उधर जब के देखा हला गुला मचा हुआ है, हमने उधर ऑर्गेनाइज किया। एक लड़की थी जो कि फौजी तो नहीं थी, फौजी की बेटी हो सकती है, एक और लड़के थे जो कि बोल रहे थे कि हमें लगाओ, वो भी यंग उम्र में, तो उन्होंने बोला था कि हम भाई अपने आप ऑर्गेनाइज कर लो, तो हमने ऑर्गेनाइज किया उधर। कहने का मकसद ये है, मगर अगर स्ट्रक्चर तौर पर ऑर्गेनाइज तरीके से अगर जथेबंदी को, इनको पता है जथेबंदी कहाँ कहाँ है, नहीं तो सैनिक कल्याण दफ्तर हैं, मैं सबके सब ये कहना चाहता हूँ, उनको ये अपनी रिक्वेस्ट भेजें और वो पूरी मदद करेंगे ट्रेन मैन पावर को भेज के, ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि फिर तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाती है, वो कोई पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगेंगे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मगर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी ऑफर है जो अवेलेबल है ऑटोमेटिकली। मैंने तो खैर अपने, मैं के पंजाब का डिफेंस, ऑल इंडिया डिफेंस का प्रधान हूँ, मैंने अपने
पूरी ऑर्गेनाइजेशन को यह आदेश दिए हैं कि अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर हर तरीके से मदद करें प्रशासन की और देशवासियों की, उस गांव वालों की, पूरा उनको जानकारी दें, जानकारी के साथ साथ चेक करें और जहां उनकी मदद की जरूरत है, कि टीकाकरण हो रहा है, कि अस्पतालों में जाना है, कई रुकावटें आती हैं, तो जो मेरी संस्था है वो लगी हुई है। मगर अगर फॉर्मल तौर पर रिक्वेस्ट आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई और भी बेहतर हो। कल साहब ये बताएं कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, अनिल विज, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनकी जिम्मेवारी जो है सेना को सौंप देनी चाहिए। इन बयानों का क्या मकसद है, क्या लगता है कि सेना को ये देने चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ सेना को इस किस्म के कार्य नहीं सौंपने चाहिए। सेना बड़े कामों के लिए है, ठीक है, इस समय कौमी आफत है, एक किस्म की सुनामी है, उसके अंदर हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल नर्सेस अस्पताल खोले जा रहे हैं, वो ठीक है, वो जायज़ है। मगर इस किस्म के काम जो है, जो कि एक पुलिस ने करने हैं, जो कि एक पैरामिलिट्री ने करने हैं, फौज को भी देने चाहिए। उन्होंने पैरामिलिट्री का ही नाम दिया था, सेना या पैरामिलिट्री? नो, पैरामिलिट्री के अंदर तो जय प्रतिष्ठ, देखिए पुलिस के अंदर अगर नहीं काम कर सकती, पहली बात है पुलिस को प्रोटेक्शन दे, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि कई कमजोरियां हो सकती हैं, तो फिर BSF है, CRPF है, उनको रिक्वजिशन किया जा सकता है। पर फौज जब मैं करता हूँ तो आर्म फोर्सेज, आर्मी नेवी, एयरफोर्स की बात करता हूँ, उनको नहीं, इनके अंदर अगर जरूरत पड़े, पहली बात ऐसी स्थिति आनी चाहिए। मगर कई एक ऐसे शरारती अंश हो सकते हैं जो कि कोई ऐसी कार्रवाई कर दें, गलत कदम उठाएँ। वैसे भी काला बाजार चल रहा है, वैसे भी स्मगलिंग हो रही है, तो उसके लिए भी चेक करने के लिए उनके पास जरूर इनपुट्स होंगे, इंटेलिजेंस इनपुट, इसलिए जो उनकी राय है वो ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो देखिए प्रांत के, वो सूबा के गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनको पूरी जानकारी है और मैं समझता हूँ इसकी प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारे जोर ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है, विदेशों से आ रही है देश के अंदर इधर उधर, तो उसके अंदर देखो कोई इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्टोर किया जा सके। दूसरे पास से देख लो, गुरुद्वारों के अंदर ऑक्सीजन के लंगर लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में क्या कुछ नहीं हुआ बाकी संस्थाओं में। तो इसलिए एक पास तो ये समाजसेवी संस्थाएं हैं जो कि बंद कर रही हैं, दूसरे पास से इस किस्म के शंके पैदा हो रहे हैं जो जायज़ नहीं है। मगर आपका जो सवाल है वो आर्म्ड फोर्सेज को तो नहीं, अगर पुलिस नहीं कर सकती, हरियाणा अगर नहीं कर सकती देखभाल, तो ज़रूर CRPF को टास्क दिया जा सकता। शुक्रिया। तो महामारी के इस दौर में जो पूर्व सैनिक हैं वे भी जिम्मेवारी निभाने को तैयार हैं। आप जानते हैं हरियाणा का जो सेनाओं में योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, हालांकि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या बहुत कम है देश के मुकाबले, लेकिन ब्रिगेडियर कालों ने कहा है कि यदि सरकार किसी तरह के रिक्वेस्ट करती है तो जो एक फोर्स है, जो पूर्व सैनिकों की जो एक पूरा जमात है, वो हरियाणा सरकार के मदद को आगे आएगी और अपनी जिम्मेवारी, जो उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी, उसे पूरी तरह से निभाएगी। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।